दिखाया जा रहा है आपको उत्तर प्रदेश के झांसी से अगला समाचार, जहां पर देवरी डैम में लगातार 3 दिन से बढ़ रहे पानी से परेशान होकर किसानों का टूटा धैर्य और इससे परेशान होकर किसानों की ने किया है विरोध प्रदर्शन। मामला झांसी के मराव रानीपुर तहसील स्थित देवरी डैम का है, जहां शुक्रवार की रात से अचानक मध्य प्रदेश के सिंजारा बांध से छोड़े गए पानी से दसान नदी किनारे हजारों बीघा में तरबूज की फसल लगाए डूबने से किसानों पर संकट हो खड़ा हुआ है। लेकिन 3 दिन बाद भी बांध में पानी का निकास न होने के कारण आज किसानों का धैर्य जवाब दे गया और वह बच्चों सहित नदी किनारे धरने पर बैठ गए, जिसकी खबर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह को मिली, जिसके बाद किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के साथ दोपहर की भीषण गर्मी में किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। आपको उषा कौन गाँव से है? घाट कोटरा। का समस्या, का बात को लेकर बैठी हो? हमने तरबूज लगाया, नदी से पूरे तरबूज डूब गए, 4-5 लाख को घाटा लग गया। कौन नदी? दसान नदी। ये समस्या आज की है कि बार बार बनती है? बार बार बनती है सर, हमारे बच्चे भूखे प्यासे जो कुछ होता है हम सब उसी फसल तरबूज में लगा देते हैं, जो हर साल इसी टाइम पे भर देते हैं, और कुछ कहते हैं तो कहते हैं, नहीं ऐसा ही होगा, पता हम कहाँ जाए, बच्चा लोग हम कहाँ मर जाए का। 3 दिन से बैठे साहब, इतना रोटी पानी खाए वैसे ही बैठे हो, सिंचाई विभाग वाले सुन नहीं रहे साहब, रोटी देखो जे नहीं, रोटी लो देख लो, रोटी जे नहीं लो देखो, खाई नहीं है साहब, खबनी है जा साहब, देखो जे नहीं रोटी लो, किसी भी आदमी पर रोटी नहीं खावे, अब तो का खाए हम लोग, माया का जिए का का खाए, कोई रोटी वोटी नहीं खावे। हां अब लोग आजकल के नेता तो ऐसे किया के हो, चलो सबको खाए ताजी वो कर रहे, किसान तो मई रहो, सूख गई रोटी, दही दही, चलो ठीक है।